तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ये जो ग्रो एप्लीकेशन है जो रेफर एंड अर्न का प्रोसेस चालू किया है, बहुत सारा रेफर एंड अर्न का बैलेंस दे रहा है, तो उसी एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और कैसे रजिस्टर करते हैं और क्या क्या ज़रूरत है उसको मैं आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, उसके बाद स्टेप का पेज आएगा, तो कंटिन्यू विद गूगल पे कर सकते हैं या फिर साइन अप पे करोगे तो भी आपका ईमेल ज़रूरत होगा, तो यहाँ पे अपना ईमेल से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको दूसरा इंटरफेस आ जाएगा मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया और वेरीफाई पे और परमिशन पे अलाउ कर दिया। उसके बाद एक ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वेरीफाई होने के बाद आपको पैन नंबर पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास पैन नंबर, वोटर नंबर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो कर सकते हैं आप। तो उसके बाद डालने के बाद ऑटोमेटिकली आपका नाम फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर और मैरिड स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो देखो दोस्तों अगर आपके पास पैन नंबर या फिर वोटर आधार कोई भी नंबर नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद मदर्स एंड फादर्स नेम सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जो भी प्रोसेस आएगा यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे आईएफएससी कोड तो मैंने पेमेंट बैंक को ट्राई किया लेकिन पेमेंट बैंक नहीं होगा, यहाँ पे फिजिकल बैंक को लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना जो बैंक है उसका आईएफएससी कोड डाल के सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई करना होगा दूसरे बार। उसके बाद नॉमिनी पूछा जाएगा, तो आपका कोई भी नॉमिनी डाल दीजिए। उसके बाद नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है डाल दीजिए। तो दोस्तों आपका पूरा जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपको मांगेगा वो आपको अपलोड करना होगा। तो देखो यहाँ पे पैन नंबर पहले आपको डालना होगा, उसके बाद पैन कार्ड का फोटो कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा और फोटो कॉपी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक आपको मतलब फेस कैम वीडियो शूट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो भी करने के बाद आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। और अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो कंप्लीट नहीं होगा रेफरल के लिए, तो आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपके पास है बैंक का डिटेल्स। तो दोस्तों फिजिकल बैंक अकाउंट चाहिए, यहाँ पे पेमेंट बैंक काम नहीं होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे वोटर कार्ड का मैंने वोटर कार्ड सेलेक्ट किया था इसलिए दोनों को भी सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे वोटर नंबर, पिन कोड, एड्रेस बहुत सारा आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे सिग्नेचर भी आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे आप खुद सिग्नेचर कर दीजिए डिस्प्ले पे, उसके बाद सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे तब जाके आपको ये कंप्लीट होगा। उसके बाद जो यू का ऑप्शन है यहाँ पे, जो मैन का आइकॉन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक इनवाइट एंड अर्न का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप जाके इनवाइट कर सकते हैं अपने दोस्तों को। तो देखो यहाँ पे वन ग्रीन कार्ड व्हेन यू फ्रेंड इनवाइट मोर देन 2000, तो आपको एक ग्रीन कार्ड मिलेगा, एक मतलब ₹200 तक, मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारा तेज के जैसे ही स्क्रैच कार्ड आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप लोगों को पर रेफर आपको ₹10 करके मिल जाएगा पर स्क्रैच कार्ड। और अगर आपका फ्रेंड बहुत सारा रेफर करते हैं तब जाके आपको एक ग्रीन कार्ड मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों को मतलब तो दोस्तों आपको लगता है कि आपके पास ये जो सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या फिर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, ट्रस्टेड भी है, RBI की तरफ से ये एप्लीकेशन है। तो दोस्तों आप चाहो तो कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसी लिंक से आप डाउनलोड करके साइन अप कर लीजिए और ये पूरा जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया उसे कंप्लीट कर लीजिए और अपना भी आप भी रेफर करना शुरू कर दीजिए, तो आपको अर्निंग शुरू हो जाएगा, मतलब आपको स्क्रैच कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से आप लोगों को अर्निंग होगा। जो अर्निंग होगा आपका जो बैंक डिटेल्स आपने डाला होगा उसी बैंक पे तेज की जैसा ही डायरेक्टली आपका बैंक पे ट्रांसफ़र हो जाएगा 7 डेज के अंदर। तो दोस्तों कैसा लगा ये ऑफ़र आपको कमेंट में बताना और वीडियो को थोड़ा सा अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना।